हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स चैप्टर द सोलर सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। आई टोल्ड अबाउट द सन, द प्लेनेट एंड द अर्थ। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग हियर द सैटेलाइट। सैटेलाइट्स स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग हियर, द वर्ड सैटेलाइट मीन्स जूनियर कंपेनियन और फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मीन्स मीन्स साथी, फॉलोअर्स ऑफ द प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट्स के एक लाइक अ प्लैनेट्स, यानी उसका एक उसी के पार्ट का, उसी के साथ का ही। दे मूव अराउंड द प्लैनेट्स एंड दिस सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। हियर स्टूडेंट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट एंड मैन मेड सैटेलाइट। सो हियर स्टूडेंट्स, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। आई टोल्ड अबाउट फ्यू सेकेंड आफ्टर अबाउट द मून। तो हियर स्टूडेंट्स, एनी प्लैनेट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स एंड सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। एंड प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के राउंड करते हैं, एंड जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट्स को अराउंड करते हैं। एज अ रिजल्ट द सैटेलाइट ऑल्सो मूव अराउंड द सन, और सैटेलाइट्स ऑल्सो अराउंड द मूव द सन। सैटेलाइट ऑल्सो शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन लाइक प्लैनेट। यानी जैसे प्लैनेट्स सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं, वैसे ही जो हमारे ये सैटेलाइट होते हैं ये भी सन के द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं। नेक्स्ट कि द अर्थ कंपेनियन द मून। अर्थ कंपेनियन यानी मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इन फैक्ट इस यू आर लुकिंग हियर कि गैनीमेडे जुपिटर्स मून इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, गैनीमेडे इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न्स मून, अभी किसका जो गैनीमेड है, ये जुपिटर का सैटेलाइट है। अब सैटर्न्स मून टाइटन, यानी सैटर्न का क्या है, टाइटन है। विच इज़ द लार्जर देन मर्करी इज़ द ओनली मून विद एन एटमोसफियर, यानी लार्जर देन मर्करी। सो स्टूडेंट्स, द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है स्टूडेंट्स। एंड इट्स डिस्टेंस अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी ये 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। यानी यू आर लुकिंग इन द नाइट व्हेन द मून लुकिंग इन द सन, मून लुकिंग इन द शाइनिंग एंड ब्राइटेस्ट। मून डज नॉट हैव द ओन हीट एंड लाइट, यानी मून की जो है वो अपनी लाइट और हीट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सन्स लाइट, यानी द मून रिफ्लेक्ट, यानी मून शाइन फ्रॉम द शाइन ऑफ द सन्स लाइट। एंड हियर स्टूडेंट्स, जस्ट यू आर लुकिंग हियर कि द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट टेक्स 27 days 8 hours। यानी अर्थ को कंप्लीट करने में इसको कितना समय लगता है, 28 days 8 hours कंप्लीट अराउंड, यानी अर्थ का अराउंड करने में। एंड कंप्लीट रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस। हियर स्टूडेंट्स, नो लाइफ एग्जिट ऑन द मून, यानी मून पे कोई भी लाइफ एग्जिट नहीं है। द मून चेंज इट्स शेप एट डिफरेंट इंटरवल्स, और अपने ये जो शेप है वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। एंड नाउ हियर स्टूडेंट्स, यानी व्हेन इट इज फुल मून नाइट, कहते हैं जब फुल मून नाइट होता है, इट्स शेप पूर्णिमा। यानी व्हेन यू आर लुकिंग इन द फुल मून लाइक दिस, इट इज कॉल्ड द पूर्णिमा। सो स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग हियर मून एट द सैटेलाइट, यू आर लुकिंग हियर, इट इज अ मून। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट सीन एट ऑल अराउंड इट अ न्यू मून, इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। व्हेन यू कैन सी द नाइट स्काई बेस्ट, इट इज नॉट क्लाउडी। जब वेदर इट इज अ नॉट क्लाउडी, देन यू कैन लुक द मून।
ओके स्टूडेंट्स, अमावस्या ए सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी, ऑल सैटेलाइट आर नॉट सेलेस्टियल बॉडीज, यानी जो और सैटेलाइट्स हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज के पार्ट नहीं है। अब मैन मेड सैटेलाइट्स, स्टूडेंट यू नो कि देर आर मैन मेड सैटेलाइट ऑल्सो, दे कॉल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहलाए जाते हैं। आर डिजाइंड बाय साइंटिस्ट, और किसके द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा। दे हेल्प टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, दीज आर द प्लेस ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ रॉकेट, यानी किसके हेल्प से करते हैं ये प्लैनेट्स के, विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स के द्वारा, और इन्फॉर्मेशन जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स है उसकी क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गैदर्ड होती है स्टूडेंट। जैसे इन इंडिया प्रीपेयर अ लिस्ट ऑफ 10 मेजर, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि इसरो, यानी इसरो जो है वो हमारे यहाँ पर एक सेटेलाइट में भेजता है, जैसे यहाँ दिया कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द फैक्ट एक्स में देख रहे हैं आप कि वॉज इस्टेब्लिश इन 1969 टू एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी, इट इज़ यूजेज टू एप्लीकेशन फॉर नेशनल बेनिफिट्स, यानी ये हमारे नेशनल बेनिफिट्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक विल बी गैलेक्सी, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।